देश तरक्की कर रहा है, देश में बदलाव हो रहा है, इस बात को सच साबित करने में जुटे हैं इंदौर के राजा राम, जो अपने रिक्शा पर सवार होकर इंदौर से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जम्मू पहुंच चुके हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे इंदौर से अपने रिक्शा पर निकले और रिक्शा की अगर बात की जाए तो उसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, उसमें लाइटिंग की गई है और ये सारी चीजें वो सोलर सिस्टम से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे सारा आइडिया उनका है, तो मानकर चल सकते हैं कि एक नया इनोवेशन जो है इनकी तरफ से कर लिया गया है। वे श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इनका सपना था कि वे अपने रिक्शा पर ही यहाँ पर पहुंचे और माता रानी के दरबार में जाकर माथा टेके। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बदलाव की लहर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी। राजा राम ठाकुर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने इंदौर मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ और अपने वैष्णो देवी जा रहा हूँ। कितने दिनों को होंगे ये यहाँ? तो अभी हम सिर्फ रात भर रुकेंगे इस जगह, यहाँ से फिर सवेरे निकलेंगे। पुल लगाया, सिस्टम लगाया हुआ, लाइटें पूरी जल रही है, कैसे दिमाग में आया एक साइकिल पे आप सोलर लाइट लगा रहे हो? ये क्या, अपने वहाँ बैटरी थी तो मैंने बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ चाहिए तो मैंने सोलर प्लेट ली, सोलर प्लेट लेकर फिर लगाई, उससे अपनी बैटरी चार्ज हो जाती है, दिन भर चलती है, उससे अपनी टेप भी चलती है, लाइट भी जलती है समय आने पर, जैसे अधिक रात हो जाती है तो फिर लाइट जलाना पड़ती है अंधेरे में, ये तो कोई वो ही नहीं है। फिर जिन लोगों को नहीं पता है ये मतलब साइकिल पे स्कूटर पे सोलर लाइट का, उनको क्या मैसेज देंगे, कैसे लगाया जाए, ये कैसे तैयार किया जाए? इसमें क्या, सिर्फ पर वो बैटरी लगती है, वो एक प्लेट लगेगी बस हो जाएगी चार्ज। आम आदमी है जो इसको अगर लगाना चाहे क्या उसको करना पड़ेगा? तो उसके लिए बैटरी चाहिए और सोलर प्लेट चाहिए और लाइट चाहिए। क्या हमारे लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैं तो अपने भाई लोगों के लिए सद्भावना यात्रा पे निकला हूँ, अमन चैन यात्रा पे, ये सब शांतिपूर्वक रहे। कितने दिन हो गए ये यात्रा? यहाँ तक आते हुए मुझे एक महीना हो गया। दी अर्थ न्यूज़ टेक्स के लिए जम्मू से सेवाराम की रिपोर्ट।